दोस्तों आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ते हैं, और खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम आने वाले हैं या अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ का इक्वेशन नहीं समझ में आता है, मैथ उनके लिए हार्ड लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताया हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के कैमरा से किसी भी मैथ के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और उससे आप मैथ के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अपने टीचर को भी इस वीडियो को जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और आपको कुछ इसमें अलग सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फोटो मैथ। फोटो मैथ सर्च करेंगे तो आपके सामने यह एप्लीकेशन आ जाएगा। इसका आइकन आप अच्छे से देख लीजिए, इसकी रेटिंग है 4.6 और 10 मिलियन लोगों ने इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर दीजिएगा। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो यहाँ पर आप कैमरे की परमिशन दे दीजिएगा। इसके बाद आपको ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आप कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उस इक्वेशन को स्कैन कीजिएगा जिस इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा इक्वेशन यहाँ पर स्कैन हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए रेड कलर में तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से सॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज किया गया है। इसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेप अपनाए गए हैं और क्या क्या इसकी हिस्ट्री है। पूरा डिटेल्स में यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है और कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या क्या किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्राफ भी आप नीचे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बन करके दिखाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप मैथ के किसी भी इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपने मोबाइल के कैमरा से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।